स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका दुदानी आपकी क्लास इलेवेंथ की बिजनेस स्टडीज की टीचर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर वन नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं डैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस सो बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने से पहले हमें मेंटेन करना है एक कंसेप्ट रजिस्टर उसके साथ साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर जिसमें हम क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे और वन शॉट रिविजन के पॉइंटर नोट्स भी बनाएंगे सो so, स्टूडेंट्स आपको जब भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ वीडियो को पॉज करना है एंड सारे कंसेप्ट को अच्छे से लिखना है अपने अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेंस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑफर करता है आपको कम कंप्लीट फ्री एजुकेशन यस किन गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सारी वीडियोस आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और हम तैयारी करवाते हैं आपको सी बी एस ई एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की अगर आपको ई e नोट्स या ई e बुक्स चाहिए तो so उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सो so चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो तीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सी वाली फ्लो चार्ट आपको फर्स्ट पेज पे बनानी है इस सब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पेज पर आप ये वाली फ्लो चार्ट बनाएंगे ये आउटले है पूरे सब टॉपिक का फिर सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपन को प्रोवाइड करने हैं फिर उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे अडल्ट्रेशन उन्हें अवॉइड करना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम्युनिटी सर्विस अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन सो ये सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट कम्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन सो एज अ अम्प्लॉय एज अ बिजनेस पर्सन आप जब भी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए काम करने की सेकेंड कॉम्पिटिटिव सैलरी जो एम्प्लॉज हैं उनकी सैलरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन्हें काम करने का मन हो कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं आप भी एज अ बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ को वैसी ही सैलरीज प्रोवाइड करें थर्ड पर्सनल ग्रोथ फोर्थ पीयर रिकोगशन एंड फिफ्थ स्पेशल बेनिफिट्स ओके सो ये था हमारा पूरा आउटले कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं सो so, आपके फर्स्ट पेज में ये फ्लो चार्ट बना होना चाहिए चलिए बच्चों फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है एंड स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ़ बिजनेस सो ऑब्जेक्टिव एट द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड मतलब कि अगर हम एज अ बिजनेस एज अ बिजनेस कोई भी हमारा बिजनेस है एक्सवाइजेड हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को सेल कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होगा ठीक है जैसे सपोज एक सर्विस प्रोवाइडिंग डॉक्टर्स का क्लीनिक है जिसमें तीन डॉक्टर्स एक साथ मिलकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका एक बिजनेस है तो उनका गोल क्या होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेशेंट्स को ट्रीट करें एंड प्रॉफिट कमाएं ओके सो दिस इज ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड सेकेंड दीज आर द गोल्स इस्टेब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एज फार एज पॉसिबल बिजनेस मैन मस्ट सेटअप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अगर आप गोल नहीं सेट करोगे कि हमें कहाँ पहुँचना है हम कहाँ हैं तो फिर हम अपन आगे कैसे बढ़ेंगे हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी सो इसलिए ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फॉर्म कैन बी इंक्रीज इन सेल बाई टेन परसेंट इन वन ईयर टाइम यानी कि एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि सेल्स इंक्रीज करनी है बाई टेन परसेंट एक साल में तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ठीक है वेयर एज जनरल ऑब्जेक्टिव कैन बी इंक्रीज इन सेल तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी सेट करना चाहिए कि हमें इतना तो अचीव करना है विथ परसेंटेज और जनरल ऑब्जेक्टिव हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ हमें आगे बढ़ानी है हमें अचीव करना है ओके सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के चलिए इसको नोट डाउन नहीं करना है ये जनरल एक थ्योरी की बातें हैं और ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं ओके सो बिजनेस मैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव ठीक है ऑल ऑब्जेक्टिव आर इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट हम बिजनेस चलाई क्यों रहें क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है और उसी प्रॉफिट से हमारा घर चलेगा और हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो पाएगा ठीक है नाउ अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस बट इट के नॉट बी दोल और ओनली ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव है ठीक है द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में भी क्लासीफाइड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज इकोनॉमिक सोशल ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिवस सो ये ऑलरेडी हम इसको फ्लो चार्ट में लिख चुके हैं ये था अपना इंट्रोडक्ट्री पार्ट ऑफ द सब टॉपिक ओके स्टूडेंट्स नाउ सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इससे पहले आपके मन में आ रहा होगा मैम इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम क्या नोट डाउन करें सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये नोट डाउन करना है कि बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर अर्निंग प्रॉफिट सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जनरल मतलब सेल्स बढ़ानी है स्पेसिफिक मतलब सेल्स को एक साल में दस परसेंट तक बढ़ाना है सो so, स्पेसिफिक में हम टारगेट सेट कर लेते हैं जनरल में हम कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस साल का सो so, ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं जैसे अर्निंग प्रॉफिट जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या अर्निंग प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव है नहीं अर्निंग प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पर सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है ठीक है चलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं सो so, इकोनॉमिक यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव जो मनी से रिलेटेड होते हैं ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती थी बच्चों अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती थी जिनके बदले में हमें कुछ रिटर्न आता था वो भी मॉनेटरी रिटर्न ठीक है सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स उसी प्रकार होते हैं सो so, बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है बिजनेस क्या है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब ऐसी एक्टिविटी जैसे कि गुड्स या सर्विसेस सेल करने पर हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो हमारी अर्निंग है सो दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है हमारा सर्वाइवल सो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हमें सर्वाइव करना है अब सर्वाइवल के अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मुझे सर्वाइव करना है इस टीचिंग इंडस्ट्री में ठीक है मुझे सर्वाइव करना है इस टीचिंग इंडस्ट्री में क्योंकि मैं एक बहुत आ, आगे बढ़ना चाहती हूँ इसी फील्ड में ठीक है तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ठीक है ये मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल ठीक है फर्स्ट थिंग सेकेंडली अभी आप पढ़ रहे हो ठीक है और आपके लिए सर्वाइवल क्या होगा सिर्फ बेसिक नीड्स नेसेसिटीज़ आपकी फुलफिल हो ठीक है जैसे रोटी कपड़ा और मकान सो so, आपकी जो सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पेरेंट्स की होती है हर एस्पेक्ट में सर्वाइवल का अलग अलग मतलब होता है इसलिए यहाँ पे सर्वाइवल का क्या मतलब है देखते हैं सो द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जब कोविड नाइन्टीन आया था बहुत सारे बिजनेसिस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाए ऑनलाइन नहीं जा पाए इस वजह से उनके बिज़नेस ठप हो गए फैक्ट्रीज़ का अपन समझते हैं कि उनका ठप होना लाजमी है बट ऐसे बिजनेसेस जो ऑनलाइन कन्वर्ट हो सकते थे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो नहीं कर पाए सर्वाइव ठीक है तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है और एग्जिस्ट करना है इन कंपटीशन मार्केट चाहे इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कुछ भी हो जाए कोविड नाइन्टीन पैंडमिक आ जाए या फिर रिसेशन हो जाए या इन्फ्लेशन हो जाए डिफ्लेशन हो जाए कुछ भी एक्स वाई यू सिचुएशन आ जाए यू नीड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट एज अ बिजनेस ठीक है अब उसके बाद फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस खोला है तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो नहीं खोला होगा आपको आगे बढ़ना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव करना होगा एंड इट इज पॉसिबल ओनली वेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट बोलते हैं ना जब तक लागत निकल रही है तब तक सब ठीक है जब लागत भी नहीं निकल रही तो कुछ भी ठीक नहीं है मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में पाँच लाख रुपए लगाए पहले साल में केवल दस हज़ार प्रॉफिट हुआ दूसरे साल में दस हज़ार प्रॉफिट तो हुआ बट आपकी लागत से ज़्यादा पैसे खर्च हो गए सो so, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें हम कॉस्ट जो है उसको कवर ही नहीं कर पा रहे हम प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे तो बिज़नेस का क्या उद्देश्य इसलिए मेजर जो सर्वाइवल के इंडिकेशंस होते हैं वो यही होते हैं कि अगर आपका कॉस्ट कवर हो रहा है और आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो मतलब आप सर्वाइव कर रहे हो अगर आपका कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है एज़ अ बिज़नेस और आप प्रॉफ़िट भी नहीं कमा रहे तो मतलब आप सर्वाइव नहीं कर रहे हो ठीक है हम इसके ऊपर एक केस स्टडी पढ़ेंगे आगे इसके ऊपर केस स्टडी है ओके सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट सेकेंड प्रॉफिट अब बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अब प्रॉफ़िट नहीं कमाएंगे तो हम बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे अगर हमेशा सिर्फ कॉस्ट ही रिकवर करते रहेंगे जितनी हमने लागत लगाई सिर्फ उतना ही वापस आ जाए तो काफ़ी है हम सिर्फ यही करते रहेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे और, और हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? ओके सो so, प्रॉफ़िट भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है बिज़नेस का जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिवस में आता है अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा बोला जाता है इफ़ देयर इज़ इफ़ यू आर अनेबल टू रिकवर द कॉस्ट एंड अनेबल टू रन द प्रॉफिट देन यू डू नॉट एग्जिस्ट जैसे कि एक और स्टेटमेंट बोली जाती है इफ़ योर बिजनेस इज़ नॉट ऑनलाइन दिस डेज यू डू नॉट एग्जिस्ट ओके सो स्टूडेंट्स हम बहुत सारी केस स्टडीज़ पढ़ेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके आसपास क्लास एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हों इसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछा करो ओके सो फर्स्ट इज अपना फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो था सर्वाइवल सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रॉफिट नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव ग्रोथ तो सर्वाइवल मतलब कि कम से कम कॉस्ट तो रिकवर हो जाए फिर प्रॉफिट आप कमा रहे हो अगर आपकी कॉस्ट रिकवर हो रही है आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाओगे तो आप कर पाओगे बिज़नेस को एक्सपैंड इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपने एक फूड ट्रक ओपन किया मैंने आपको फूड ट्रक का एग्ज़ाम्पल दिया था ठीक है या कोई भी आपने बिजनेस ओपन किया ठीक है जेड आपने कोई भी बिज़नेस ओपन किया आपने उसमें पाँच लाख रुपए लागत लगाई ठीक है और आपने जो प्रॉपर्टी थी सपोज फूड ट्रक नहीं अगर आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो ठीक है जो प्रॉपर्टी थी जो प्रॉपर्टी थी वो आपने रेंट पे ली थी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है जो बाय प्रोफेशन बीडीएस एमडी करे हुए हैं और उन्होंने अपना डेंटल क्लिनिक खोला है ठीक है वो कहीं एम्प्लॉयड नहीं है उन्होंने खुद का क्लिनिक खोला है तो ये एक बिजनेस के अंदर आ जाता है पांच लाख रुपए का फर्नीचर वगैरह उनने सब सेट किया ठीक है और उनका महीने का जो रेंट होता है वो होता है बीस हजार रुपए पहले महीने क्योंकि बिजनेस न्यू था तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपन को करनी पड़ी जैसे मार्केटिंग जैसे पेजेस पे इंस्टाग्राम पेजेस पे प्रमोट करना जैसे न्यूज़पेपर में अपन को ऐड देना कि यहाँ यहाँ इस इस जगह पे क्लिनिक खुला है एंड इफ़ यू हैव एनी डेंटल प्रॉब्लम्स देन डू विजिट ऐसे करके मार्केटिंग हो रही थी पर पेशेंट्स आने में टाइम लगता है तो पहले महीने तो कोई भी पेशेंट्स नहीं आए मतलब कॉस्ट बिल्कुल रिकवर नहीं हुई कॉस्ट तो छोड़ो रेंट भी पे नहीं कर पाए खुद के पर्सनल मनी से रेंट पे करना पड़ा दूसरे महीने एक ही पेशेंट आए एंड केवल सिक्स थाउजेंड रुपीज़ मिले फिर तीसरे महीने ऐसे करके कॉस्ट रिकवर ही नहीं हो रही थी ऐसे कर कर के बारह तेरह महीने हो गए सो आप मुझे बताइए क्या बिजनेस सर्वाइव कर पा रहा है नहीं बट येस yes, वो सर्वाइव कर सकता है अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगे तो इन फ्यूचर ठीक है क्या बिज़नेस प्रॉफिट कमा पा रहा है नहीं और क्या बिजनेस ग्रो कर पा रहा है जब हम कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहे अभी इस स्टेज पे शुरुआती स्टेज पे तो ग्रो कैसे करेंगे सो so, हर बिजनेस के बच्चों तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पहला सर्वाइवल दूसरा प्रॉफिट एंड तीसरा ग्रोथ ओके सो ये वाले बिजनेस से आप क्या समझे कि अगर आप ये ही नहीं रिकवर कर पा रहे तो एक्सपेंशन तो छोड़ो तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बहुत ज़रूरी होते हैं और जो लोग पूरी बिजनेस की स्टडी करके मार्केट में उतरते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें किस स्टेज पर किस लेवल तक पहुंचना है और उस हिसाब से वो अपने इनपुट्स और एफर्ट्स डालते हैं ओके okay? सो so, ये था ग्रोथ का कंसेप्ट सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़ द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाई ग्रोथ रेट and ग्रोथ is मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ employees etc ठीक है सो सेल्स कितनी हो रही है आपके बिजनेस की कितनी ब्रांचेस हैं आपके चेन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके इम्प्लॉयज़ कितने हैं वो ही ग्रोथ इंडिकेट करता है ओके okay? सो so, ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सो हम लिखेंगे क्या क्या मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ वो पॉइंट्स ज़रूर लिखना सर्वाइवल में बच्चों अपन लिखेंगे कि सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है एंड कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट में अपन लिखेंगे कि प्रॉफिट किस लिए ज़रूरी है सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ठीक है सो ये अपन के जो पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए ये आपको इसके अंदर लिखने ही हैं इन एग्जाम एंड ये जरूरी है बेटा ठीक है चलिए नेक्स्ट ग्रोथ में अपन क्या क्या लिखेंगे ग्रोथ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो इन एक्सपैंडर एक्टिविटीज ये नहीं लिखना ये लिखना द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाई ग्रोथ रेट

नाउ कमिंग टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है क्या सोशल ऑब्जेक्टिव सिर्फ दान धर्म करने से रिलेटेड है कि चलिए आज बिजनेस से बीस हजार कमाएं सो बीस हजार में से पाँच सौ रुपये हम किसी को दे आते हैं उनका बेनिफिट कर लेते हैं सो so, ऐसा होता है क्या नो सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है सो so, पहला जो सोशल सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ सपोज दो दुकान वाले हैं पहली दुकान वाला भी किराने की दुकान है सेकेंड दुकान वाला भी एक किराने की दुकान है सो so, फर्स्ट दुकान वाला क्या करता है जो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी न्यू पैकेट्स में डाल के एंड उनको सेल कर देता है और सेकेंड दुकान वाला क्या करता है जो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको आ, जो होल सेलर से उनने लिए होते हैं उनको वापस कर देते हैं एंड बोलते हैं ये बेकार नहीं इसको वेस्टेज में काउंट कर लो सो so, आपको क्या लगता है कौन सा बेनिफिट करेगा फॉर टू द कस्टमर अगर किसी कस्टमर को ये पता चल गया कि जो फर्स्ट दुकान वाला है वो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट न्यू पैकेट्स में डाल के अच्छे से नई लेबल लगा के आपको सेल कर रहा है आपको तो पता भी नहीं चलेगा बट अगर आपको कुछ हो गया तो ठीक है मान लीजिए अगर आपने वो प्रोडक्ट कंज्यूम किए एंड आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से तब आप क्या करोगे एक ही चारा बचता है कंज्यूमर फोरम में केस पर एज अ बिज़नेस ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करके चलें अगर आपका बिजनेस है तो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे कि एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स को न्यू लेबल लगा के एंड सेल कर दें सो so, ये एक बिज़नेस की क्वालिटी होती है कि हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखें सो सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को चाहिए होता है कि उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स मिलें जो कि सेटिसफैक्टरी क्वालिटी के हों ठीक है और रीजनेबल रेट पर अवेलेबल हों। सबसे पहले तो सेटिसफैक्टरी क्वालिटी और दूसरा रीजनेबल रेट पर अवेलेबल हो अगर आप देखेंगे आजकल ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो 10 मिनट में पूरी ग्रॉसरी घर पे दे जाती हैं मैं भी उन ऐप्स से ऑर्डर करती हूँ पर मैं वहाँ पर देखती हूँ उन ऐप्स पर कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है एक कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो चूज़ कर सके फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर रवा यानी सूजी फिफ्टी फाइव रुपीज़ के जी एक जगह एक पर्टिकुलर ब्रांड की अवेलेबल है एंड दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड की हंड्रेड रुपीज़ के जी अवेलेबल है सो आपने देखा होगा वो ऑर्गेनिक होगी एंड दूसरी वाली नॉन ऑर्गेनिक होगी पर दोनों की क्वालिटी ए वन होती है ठीक है इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि उसे ऑर्गेनिक चाहिए या और नॉन ऑर्गेनिक सो so, सारे रेट्स कैसे होने चाहिए रीजनेबल जो एक कस्टमर अफोर्ड कर पाए एंड सेकेंडरी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए ऐसी जो कंज्यूम करने लायक हो खाने लायक हो ठीक है सो टूडेज कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर एंड ही एक्सपेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ठीक है तो आज के कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं कि अच्छा देना हम कोई भी किराने की दुकान जाते हैं जो हमारे आसपास की लोकेलिटी में होती है तो हम क्या बोलते हैं भैया अच्छा देना है ना आप अपने हिसाब से निकाल दो अच्छा देना जैसे मैं एज़ अ पर्सन कभी भी वेजिटेबल शॉप पे जाती हूँ तो मुझे नहीं समझ आता कौन सी भिंडी अच्छी है कौन सी टिंडे अच्छे हैं कौन सी लौकी अच्छी है तो मैं शॉपकीपर को बोलती हूँ आप अपने हिसाब से अच्छा देना तो मैं क्वालिटी उन उन पे रिलाई करती हूँ कि वो मेरे को क्वालिटी सप्लाई कर रहे हैं ठीक है सो क्वालिटी कॉन्शियस है आज का कस्टमर रैदर देन कि बस सामान खरीद लो अच्छा सामान खरीदने के ऊपर डायरेक्टेड है नाउ फॉर एग्जाम्पल अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपके रिफ्रेशर में गिवन था सो so, चलिए देखते हैं फॉर कंज्यूमर गुड्स सचेस रेफ्रिजरेटर टी वी कार स्कूटर द क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी जैसे कि ऐसे जो गुड्स होते हैं टी वी फ्रिज कार स्कूटर यहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या इट इस प्रोड ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे होने चाहिए जो लंबे समय तक चले इनमें कोई दिक्कत नहीं आए और बार बार रिपेयर ना करवाना पड़े सो so, यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है कि वो कितने ड्यूरेबल हैं पर ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे प्रेशर कुकर गैस सिलेंडर यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है सेफ्टी कि वो सेफ टू यूज़ हो पर प्रोडक्ट्स जैसे पल्सेस स्पाइसेस मेडिसिन एट्सेट्रा यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है कि वो एक्सपायरी डेट के ना हो वो प्योर प्रोडक्ट्स हो अब सरवाइव करने के लिए मार्केट में हमें सारी गुडविल मेंटेन करने के लिए सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं टू द कस्टमर अब आपके मन में आ रहा होगा मैम इस टॉपिक में क्या हम इतना सारा लिखेंगे मैं आपको पॉइंट्स हाईलाइट करवा देती हूँ बच्चों सो आपके लिए ईजी हो जाएगा सो फर्स्ट इज कस्टमर्स प्रेफर टू बाई प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ सेटिसफैक्ट्री क्वालिटी नोट्स बनाने में आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है सेटिसफैक्ट्री क्वालिटी एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस ठीक है फिर क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप जैसे रेफ्रिजरेटर टी कार स्कूटर के लिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि वो ड्यूरेबल हो और प्रेशर कुकर गैस सिलेंडर के लिए क्वालिटी का मतलब क्या है होता है कि वो सेफ है प्रोडक्ट्स जैसे पल्स स्पाइसिस के लिए क्या होता है कि वो प्योर हैं यानी एक्सपायरी डेट के नहीं है सो so, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं एकदम शॉर्ट वन वर्ड नोट्स या वन लाइन नोट्स में ठीक है सो ये फर्स्ट अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है सोशल ऑब्जेक्टिव डाट इज सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ठीक है अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है सबसे पहले तो ये देखते हैं ब्लैक मार्केटिंग ठीक है यानि कालाबाजारी अडल्ट्रेशन यानी मिलावट होर्डिंग यानी जमाखोरी ठीक है ओवर चार्जिंग यानी पैसे ज्यादा चार्ज करना जबकि उतने पैसे लग भी नहीं रहे प्राइस रिगिंग कर लिए सबने मिलके इसको मैं समझाऊंगी अभी एग्जैजरेटिंग इन एडवर्टीजमेंट अबाउट द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड इज आल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ठीक है अब इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ ब्लैक मार्केट ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप नॉर्मली परचेज करने जाओगे जैसे फॉर सपोज़ गैस सिलेंडर तो अभी गैस सिलेंडर आपको मिलती है अगर आपने कनेक्शन लेके रखा है तो नाइन हंड्रेड रुपीज़ में आपको मिल जाती है ठीक है पर ऐसी शॉप्स होती हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करती हैं आपको ट्वेल्व हंड्रेड टू टू थाउजेंड तक प्राइजेस में आपको गैस सिलेंडर अवेलेबल करवाती हैं सो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इसलिए कस्टमर्स को एक फेयर डील नहीं मिल पाती एंड कस्टमर्स को अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कई बार जाना पड़ता है एंड इट इज इलीगल ये अलाउड नहीं है आप अगर एलपी सेल कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर प्राइस रेंज में ही सेल करना होगा जो गवर्नमेंट ऑदराइज होगी देन अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन क्या होता है मिक्सिंग मिलावट वाला खाना देना जैसे सपोज कि वीट है ट्वीट में आपने कुछ मिला दिया मस्टर्ड सीड्स ना होल्डिंग अब आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि प्याज हमें पता होता है कि आगे आने वाले समय में महंगी होने वाली है तो लोग क्या करते हैं जमाखोरी करते हैं प्याज को आ, अपने इधर गोडाउंस में जमा करके रखते जाते हैं और जब प्राइस बढ़ जाती है तब सेल करते हैं ये अलाउड नहीं है सो so, होर्डिंग भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ओवर चार्जिंग प्राइस मार्केट में दस है आप एज अजनस आप ट्वेंटी रुपीज चार्ज कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे यहाँ तो यही एम आर पी जो भी लिखी हो आपको लेना है लो सो दिस इज़ इलीगल अगर कंज्यूमर फोरम में केस हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे टू द बिजनेस अब एडवर्टिजमेंट फॉल्स एडवर्टीजमेंट जैसे कि रिसेंटली अब यू नो दैट वुमेंस ऑलवेज गो फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बिकॉज उनको अपनी जो लुक्स हैं वो मेनटेन करने होते हैं सो रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में एक केस स्टडी आई थी वहाँ पर उन्होंने बोला था कि एक लेडी ने एक प्रोडक्ट परचेस किया उसमें लिखा था कि ये प्रोडक्ट आपके सारे पिंपल्स वन यूज़ में हटा देता है उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ किया उसकी इतनी अच्छी एडवर्टीज़मेंट की हुई थी इंस्टाग्राम पे लोग रील्स बना रहे थे उसको यूज़ करते हुए एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट थी वो पेड एडवर्टीजमेंट थी फ़ॉल्स एडवर्टीज़मेंट थी पर जब उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे वो बिल्कुल नील रिजल्ट्स दे रहा था उल्टा और डैमेज कर रहा था स्किन को कंज्यूमर फोरम में केस किया तो कॉम्पेंसेशन मिली फाइव लैक सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ की और प्रोडक्ट की कॉस्ट थी थ्री फिफ्टी रुपीज़ सो so आपको पता है कि रॉन्ग एडवर्टीज़मेंट अगर करती है कंपनी सो so ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है नो सोसाइटी एक्सेप्ट डी प्रैक्टिस विद दिस और इसके साथ बिजनेसमैन जो है ना ही सिर्फ अपनी रेपुटेशन लूज़ कर सकता है जबकि उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है लॉ के अंडर सो so, ऐसी जो प्रैक्टिस हैं वो सारी प्रोहिबिटेड है ओके बच्चों सो हमें लिखना क्या क्या है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती हैं ब्लैक मार्केटिंग अडल्ट्रेशन होर्डिंग ओवर चार्जिंग एग्जाजरेटिंग इन एडवर्टीजमेंट्स ठीक है holding, और लास्ट लाइन अगर ऐसा कोई बिजनेस करता है तो क्या होता है उनकी रेपुटेशन लूज हो जाती है और इसके साथ साथ उनको पनिशमेंट मिलती है ठीक है चलिए ये वाले पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू द अदर टॉपिक दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर आप एक बिजनेस हो आप बड़े स्केल पे ग्रो कर रहे हो सो so नौकरियां दो दूसरों को ऐसा बिजनेस स्टडीज़ की हमारे प्रिंसिपल्स बोलते हैं सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज बच्चे पास कर जाते हैं इंजीनियरिंग लॉयर uh, बन जाते हैं डिग्री मिल जाती है बट जॉब्स बहुत कम कैंपस प्लेसमेंट थ्री परसेंट तो आपको पता है कि जॉब्स की कितनी डिमांड है पूरा दिन यूजर्स लिंकड और ऐसी वेबसाइट्स पर एक्टिव होते हैं नौकरी डॉट कॉम और क्या चाहते हैं वो वो चाहते हैं एक अच्छी जॉब सो so, अगर आपका बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा तो आप सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो तो so, हर सोसाइटी की एक मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है सो बिजनेस मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अगर आप ग्रो कर रहे हो यू नीड पीपल हायर पीपल एच आर एजेंसी के थ्रू या खुद आपको हायरिंग करनी चाहिए ताकि आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट्स दे सको ठीक है बाई एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क अ बिजनेस मैन हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अ बिजनेस मैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू द हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल अब ये एक ऐसा सेक्टर है हैंडीकैप डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल ये एक ऐसा सेक्टर है जिनको कोई नौकरियाँ नहीं देता फॉर एग्जाम्पल ये एक रियल एग्जाम्पल है वेर आई वर्क देयर इज़ अ पर्सन जो आ, सुन नहीं सकते ठीक है पर वो देख सकते हैं वो पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है ना तो हम क्या करते हैं उनको लिख के दे देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है एंड आप बिलीव नहीं करेंगे जो नॉर्मल एम्प्लॉ जो बिल्कुल ठीक ठाक है वो उनसे बेटर काम करते हैं सो so, पर अगर आप देखेंगे उनकी सैलरी जो उनसे बेटर काम कर रहे हैं बस जस्ट बिकॉज वो हैंडी है उनकी सैलरी कम है एंड जो नॉर्मल एम्प्लॉयी है उनकी सैलरी ज़्यादा है सो ये सब चीज़ें बिजनेस को नहीं करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये अपना मेजर ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द बिजनेस ओके सो दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको नोट डाउन क्या क्या करना है बिजनेस मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द सोसाइटी फ्लो फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी इसके साथ साथ इन सेक्टर्स को उन्हें हेल्प करना है सो प्लीज़ नोट डाउन ओके सो आई होप यू ऑल हैव नोट डाउन नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है अब वो उसमें क्या क्या आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स का ये भी पार्ट है तो लार्ज बिजनेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज एस रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज स्कूल्स हॉस्पिटल्स एटसेट्रा सो एज बिजनेस आपको ये सारी चीज़ें करनी है आप रिलायंस फाउंडेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनकी जिसको जो चलाती हैं वो हैं नीता अंबानी जी उन्होंने कितने स्कूल्स बनाए हैं वंतरा उनका एक एनिमल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वंतरा आया है उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं ठीक है ठीके? आप मानेंगे नहीं कोविड नाइन्टीन में जितनी भी एम्बुलेंसेस वर्क कर रही थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही थी सो सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस एक बिजनेस का गोल होना चाहिए कि हाँ अगर हम कमा रहे हैं तो हम सोसाइटी को भी उतना ही दें जैसे आपने देखा होगा आपके घर वाले कुछ ना कुछ करते ही रहते होंगे जैसे मंदिर में कुछ दान दे आए ठीक है थीके? किसी गरीब की हेल्प कर दी किसी छोटी कन्या को नवरात्रि के टाइम कपड़े दिला दिए सो so, ये क्या है आप अपना जो आप कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा लोगों के भले के लिए आप डोनेट कर रहे हो सिमिलरली यहाँ पर हमें सोसाइटी को सर्व करना चाहिए अगर हम बहुत पैसे कमा रहे हैं तो हमें सर्व करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी आप उनकी कम्युनिटी सर्विस की बात अगर चालू करेंगे तो वो एंडलेस है उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया टू सोसाइटी। तो सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द बिजनेस सो हमें लिखना क्या क्या है द लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस जैसे कि स्कूल सेट करना हॉस्पिटल सेट करना जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो सोसाइटी को हेल्प कर सकती हैं एन जी ओ इस सब रन हो सकते हैं ठीक है सो so, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसमें आप अपने वर्ड्स में भी कुछ कुछ लिख सकते हैं टू फ्रेम अ आंसर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन अब बिजनेसेस को जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बिजनेसेस होते हैं हाँ ना वो क्या करते हैं प्रोडक्शन तो कर लेते हैं है ना वो क्या करते हैं बच्चों प्रोडक्शन तो वो कर लेते हैं ठीक है पर जो प्रोडक्शन करने के बाद वेस्ट जनरेट होता है हार्मफुल केमिकल्स जनरेट होते हैं उनको रिवर्स में डिस्पोज करवा देते हैं क्या ये प्रैक्टिस सही है नहीं आप अगर अभी से रिवर्स को कंटामिनेट करते जाओगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए और कमिंग जनरेशन के लिए वो वाटर कितना हार्मफुल होगा हम रिवर्स का वाटर यूज़ करते हैं हमारे घरों में आता है वो पानी पर ये जो प्रैक्टिस है इस तरीके से वेस्ट को एलिमिनेट करना दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन नहीं देती है ठीक है सिमिलरली आप अगर लेक्स में रिवर्स में कचरा डाल रहे हैं और आ, पल्यूट कर रहे हैं वाटर को ये गलत है ठीक है द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज़ जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है वो गलत है आपको सस्टेनेबल चीजें डालनी है जिसमें से अपने बिजनेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करना है जिससे ये सब चीज़ें ना हो ठीक है so, सो चिमनीज जो है वो पल्यूट करती है हमारी एयर को ठीक है तो बिजनेस को ये करना होता है एक न्यूज़ स्प्रेड करनी होती है या चलिए इनिशिएटिव लेना होता है उनकी मॉरल ड्यूटी होती है कि क्या करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में बोला जाता है डेवलपमेंट विदाउट कॉसिंग हार्म टू द फ्यूचर जनरेशन्स यानी ऐसी डेवलपमेंट जो करेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को कोई भी दिक्कत ना दे आप जो एनर्जी रिसोर्स अच्छे हैं जो प्रॉफिट आपको दे सकते हैं और जो कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं और जिनसे हमारे इन्वामेंट पल्यूट नहीं हो रहा वो चीज़ें आप यूज़ करो ठीक है एंड बहुत सारे तरीके आ गए हैं अब वेस्ट को एलिमिनेट करने के सो so, इसलिए रिवर्स को पल्यूट करने की नीड नहीं है लेक्स को पल्यूट करने की नीड नहीं है एयर पोल्यूशन की नीड नहीं है नहीं तो आने वाली जनरेशन बहुत सफ़र करेगी सो so, ये वाला टॉपिक आपको लिखना है इसमें आप क्या लिखोगे इंडस्ट्रीज थ्रो ड्रेन थ्रो और ड्रेन देयर वेस्टेज इन लेक्स एंड रिवर्स विच पोल्यूट वाटर स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट सो बिजनेस मैन हैज एडेड spread added to the spreading of pollution, and it becomes the moral duty of the business to come forward. Moral duty word लिखना है, और ये दोनों lines लिखनी है बस, ठीक है? So चलिए ये वाला लिखिए, note down करिए. So I hope आपने इसे note down किया होगा. आपको वीडियो पॉज करना है एंड नोट डाउन करते जाना है अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अपने डाउट्स पूछें बच्चों ओके सो so, हमें भी अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से डाउट पूछते हैं इंगेज करते हैं हम टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वेन आई वॉज 19 ईयर्स ऑफ एज मैंने अपने घर में अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने एक चार्ट पेपर चिपकाया मैं बाहर से गई दौड़ दौड़ के फाइव रूपीज़ का चार्ट पेपर आता था, था उस वक्त चिपकाया उस पर स्टिकी नोट्स चिपकाए बाय द एज ऑफ दिस आई एल अचीव दिस इतनी इतना मैं कमाऊँगी एक घर होगा ये सब होगा उसमें से आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी हो चुके हैं सो so, ये क्या थे वो मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे मेरी टू डू लिस्ट थी मेरे गोल्स थे फ्यूचर के सो फॉर बिजनेस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी ज़रूरी होते हैं ठीक है सो ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इम्प्लॉयज ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता ये कर्मचारियों से रिलेटेड होता है जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं ठीक है इम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल रिसोर्स अगर वो नहीं होंगे तो आपका काम कैसे होगा हु कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस इन बिजनेस टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम इम्प्लॉयज एंड टू कीप द इम्प्लॉयज मोटिवेटेड द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर इम्प्लॉयज बाय परस्यूइंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जैसे प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस सपोज़ आपका एम्प्लॉय डेली आपके यहाँ काम करने आ रहा है उसकी डेस्क के आसपास बहुत डस्ट है कैसे मन करेगा उसका काम करने का उसको रिफ्रेशमेंट्स नहीं मिलते आठ घंटे के काम में उसको चाय कॉफ़ी आप कुछ भी ऑफर नहीं करते वो तो टायरिंग फील करेगा ना धीरे धीरे एक दो दिन एक दो महीने एक साल मैक्स टू मैक्स काम करके वो बोलेगा चलो स्विच कर लेते हैं मन नहीं लग रहा उससे आप रूडली बात करते हो ये क्या है पुअर वर्किंग कंडीशन है वॉशरूम फैसिलिटी आपने उसको नहीं दी हुई है सो so, ये सब चीज़ें क्या करती है एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करती है नाउ पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सैटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज सपोज आपका बिजनेस है और आपका एम्प्लॉई आपको बोल रहा है आप मुझे पंद्रह हज़ार दे रहे हो सेम वर्क वर्कअप वाली ऑर्गेनाइजेशन मुझे पच्चीस हज़ार दे रही है मैं आपसे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मांग रहा दो साल हो गए काम करते करते सात हज़ार रुपये बढ़ा दो तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको बढ़ाने चाहिए उसके दो साल हो गए सात नहीं पाँच बढ़ा दो ताकि वो खुश तो रहे तो अगर आप कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं दे रहे हो सेटिस्फैक्ट्री वेजेस नहीं दे रहे हो वो आपकी जॉब छोड़ के चले जाएगा वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्विच हो जाएगा तो इसलिए एम्प्लॉयज की पर्सनल ग्रोथ के लिए सैलरी प्रोवाइड करना टाइमली प्रोवाइड करना और कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना जरूरी है ठीक है नाउ नेक्स्ट पर्सनल ग्रोथ आप कोई भी एम्प्लॉय होता है वो जब न्यू होता है उसको नहीं समझ आता काम कैसे करना है सो so, आपको टाइम टू टाइम अपने गोल्स के हिसाब से उसे ट्रेन करना होता है सो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज ये एज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका एम्प्लॉय एक हाइट्स अचीव कर पाए बिजनेस में आपको ग्रो करवा पाए आपको उसको वो नॉलेज देनी होती है ठीक है जैसे पर्सनली मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे रिसेंटली आई वॉज वर्किंग फॉर सम प्रोजेक्ट वहाँ पर हमें कुछ कॉल्स प्लेस करनी थी वो एक सॉफ्टवेयर था जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था फिर मैंने सर से बोला जो मेरे सीनियर थे मैंने उनसे बोला सर ये सॉफ्टवेयर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने कहा ओके मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने मुझे सिखाया उसके बाद मैं वो रिसर्च वर्क कंप्लीट कर पाई सो so, हमें अगर कोई चीज़ें नहीं आती है तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ सिखाए ठीक है नाउ पियर रिकोगग्नीशन एंड रिस्पेक्ट एनकरेजिंग द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग अगर आपका एम्प्लॉय आपके सामने बैठा है आप कुछ बिज़नेस के डिस ले रहे हैं आप उससे पूछते हैं कि बताओ मिस्टर एक्स आपको क्या लगता है इसमें अपन को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस के एजेंडा में अगर वो अपनी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे हैप्पी फील होगा ठीक है कि मैं सारे पीयर्स के साथ मैं मेरे को बोलने का हक़ है मुझे डिसीजन मेकिंग में पार्ट दिया जा रहा है सो so, ये एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस देता है ओके okay, मेरी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है नाउ नेक्स्ट प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स एज हाउसिंग फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा अगर आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आप ये कर सकते हो सो यू हैव टू डू इट ओके सो ये थे हमारे पर्सनल ग्रोथ नेक्स्ट ये हमारे तीनों जो ग्रोथ हैं इकोनॉमिक सोशल एंड पर्सनल वो कंप्लीट हो चुके हैं सो so आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर स्टडीज करनी है कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना है सो बच्चों आप हमारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो ऑन आर यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली ऑर्गेनाइज कम्प्लीट कोर्सेज हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी गिवन है अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वेबसाइट पर कंप्लीट कोर्सेज हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर सब टॉपिक सब अवेलेबल है रिविजन एम सी क्यूज क्वेश्चन ए टू जेड एब्सल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट नाव हम तैयारी करवाते हैं इन सारे कोर्सेज की सो वट आर यू वेटिंग फॉर Please hit the like button, share this video and subscribe to the Magnet Brains channel. Thank you.